कारवंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है यार। भाई सब, आज मोदी जी का शपथ है, लेकिन मोदी जी ने शपथ से पहले ले लिया ऐसा तगड़ा एक्शन के गुंडे भी थर थर कांप उठे। अच्छा, पहले तो वजह ये बोलो कि मोदी जी शपथ ले रहे हो, हम दोनों की तरफ से उनको मुबारक, पूरे हिंदुस्तान को मुबारकबाद। जो आज मोदी जी इतिहास रचने जा रहे हैं, शेर फिर अलफ उठाएगा तीसरी बार, दोबारा अपनी गद्दी पे बैठ जाए। तो भाई साहब, लेकिन देखते आखिर कैसा मोदी जी ने शपथ से कुछ ही पल पहले एक्शन तगड़ा लिया, जिसकी वजह से गुंडे भी थर थर कांप उठे हैं। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। मोदी की शपथ से ठीक पहले एनकाउंटर से थरथराया यूपी। योगी की पुलिस ने 6 को ठोकता। लोकसभा चुनावों के नतीजे भी आ गए और तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रही है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए राष्ट्रपति भवन को चारों तरफ से सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया है। एआई कैमरे हो या फिर ड्रोन या फिर स्नाइपर, इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भवन को लगभग 2000 पुलिस कर्मियों की निगरानी में रखा गया है। सुरक्षा इतनी टाइट है कि परिंदा भी पर ना मार पाए। ऐसी सुरक्षा उस वक्त देखी गई थी जब G20 समिट हुआ था। एक तरफ मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर जोर शोर से तैयारियां पूरी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से 6 बदमाशों को ठोके जाने की खबर ने पूरे यूपी में हड़कंप मचा दिया। ये तो आप जानते ही हैं कि देश से आचार संहिता खत्म हो चुकी है और इसी कड़ी में अब प्रदेश में एक बार फिर ऑपरेशन लंगड़ा शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत यूपी में एक बार फिर जब पुलिस का सामना बदमाशों से हुआ तो यही ऑपरेशन चलाया गया और लगभग 6 बदमाशों को लंगड़ा कर दिया गया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने यूपी और बिहार एसटीएफ के साथ मिलकर बिहार के एक कुख्यात बदमाश नीलेश राय को मुठभेड़ के दौरान ढेर भी किया। शनिवार देर रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि परासौली गांव के जंगल में कुछ लोग गौकशी कर रहे हैं। जाहिर है सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और बदमाशों की घेराबंदी की, तो बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। इस फायरिंग का जवाब पुलिस ने भी फायरिंग से ही दिया, जिसमें रिजवान और शहजाद समेत 6 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। इसी दौरान पुलिस ने इनका एक दूसरा साथी गुलफाम भी गिरफ्तार कर लिया। मौके से पुलिस ने इन बदमाशों के पास से एक जिंदा गौवंश बछड़ा, 3 तमंचे, 1 स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, कारतूस और गौकशी के कुछ उपकरण भी बरामद किए हैं। इस घटना की ज्यादा जानकारी देते हुए सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज थाना बुढ़ाना पुलिस को मोदी जी का इंडिया मुखबिर प्राप्त हुई कि परासौली के जंगल में कुछ गौकशी किसी गौवंश का हत्या करके उसका मीट निकालेंगे। ये देखो कितनी गंदी सूचना पर तुरंत हमारी परासौली पता चला है। थाना प्रभारी मौके पर आए तो देखा कि 3 अभियुक्त जो पास में खड़े गौवंश को अपने तैयारी कर रहे हैं काटने की, और साथ में जब उन पुलिस वालों को सबको देखा तो वो घबरा गए और घबरा करके उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने अपने बचाव में उनको फायरिंग की है, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और 1 बदमाश मौके पर पकड़ा गया है। दोनों बदमाशों को उपचार हेतु सीएससी बुढ़ाना रवाना कर दिया गया है। जो पकड़ा गया जो बदमाश है उसका नाम गुलफाम है, वो यह नगला का रहने वाला है। ये मुसलमानों के कांड है कि मेरा एक साथी जो रिजवान है वो भी नगला का रहने वाला है और उसका जो साला है वो कैराना का रहने वाला है, शमशाद है, एक ही खानदान। और ये काफी दिनों से गौकशी कर रहे थे, काफी दिनों से आज ये काम ही इनका ये पकड़े गए हैं। आखिर पकड़े इनको पुलिस हिरासत में लेकर के विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या क्या आपराधिक इतिहास इनका है और क्या कुछ इनसे रिकवरी हुई है? देखो, रिजवान पर जो पूछताछ में पता चला है करीब एक दर्जन से ज्यादा अभियोग पंजीकृत है गौकशी के, और जो इसका साला है शमशाद उस पर भी आधा दर्जन मुकदमे हैं। अबे कैसे चल रहे हैं? और इनके पास से पकड़े गए एक गौवंश बछड़ा, 2 तमंचे, 315 बोर, जिसमें 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 मिस कारतूस बरामद। बहरहाल, अब आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर। पार नहीं मार सकती है।
इधर हुई वीडियो खत्म। ये काफी दिनों से ये काम कर रहे थे भाई, लेकिन ये मोदी जी का इंडिया है, ये क्यों ये बात भूल जाते हैं। ये उस बंदे का इंडिया जो गलत होने पर भाई साहब ठोक के रखता है। आज मुसलमानों को एक चीज उधर पता भी है, सब कुछ पता है, हर चीज पता है, तो ऐसी गंदी चीज क्यों अकल कर, गाय माता को क्यों जबा करते हो और मीट बेचते हो तुम, ये चीज हरकत गलत है। नहीं 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 नहीं, ये सेल नहीं कर रहे होंगे, ये खुद अपने घर में रख रहे होंगे और खा रहे होंगे, ये चीजें गलत है ना। होंगे लेकिन वही बात है ना, फिर पकड़ा ना, ऊपर से गुंडे थे, ऊपर से पिस्टल भी था उनके पास, सब कुछ निकला। 12-12 केसेस इन पे, एक दर्जन जितने केसेस इन पे चल रहे थे, लेकिन जब पुलिस देखो ना इन पे पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन वही बात है, अगर देखो ना मोदी जी की यहाँ पर शपथ और यहाँ पर भाई साहब इन गुंडों की ठुकाई देखना, अच्छा शपथ भी नहीं उठाया तो ठुकाई पहले शुरू कर दी, देखो ना इनका इलाज ही ऐसा है। भाई साहब मैं कहता हूँ यूपी में अखिलेश यादव आए या जो आए, मैं कहता हूँ कि मोदी जी जिस चीज पर हाथ डालेगा ना तो भाई साहब वो उसके शिकंजे से बचेगी नहीं। यार वजह मैं एक चीज सोचता हूँ, मुसलमान क्यों ऐसा का काम करते हैं यार, यार इतनी इज्जत से उनको रखा। यार देखो सारे नहीं है, उधर काफी लोगों में अकल मुसलमानों में आ चुका है, लेकिन कुछ जाहिल तो है ना, कुछ तो है ना, लेकिन वही बात है, वो सदर देनी है। ये आखिर देखना इनका हाल क्या किया है, देखो ना, एक और तो टांगों पे, दो को टांग यूं मरे हुए थे, फिर एक तो मर भी गई, एक पे सर गोली लगी सर पे, और एक को गिरफ्तार जगह पे मौके पे पुलिस पे गोली भी चलाई उन लोगों ने, फिर मौत ही इंतजार करती है ऐसे लोगों का। सही कहा, लेकिन भाई आज देखो मोदी जी की शपथ है, वो उसके भाई साहब एयर सिस्टम लगे हुए हैं भाई, कैमरे लगे हुए हैं, ड्रोन्स ऊपर हवा में उड़ रहे हैं भाई, भगवान को किस तरह से सिक्योरिटी दी गई हो यार, 2000 बंदा सिक्योरिटी है तैनात, अंदाजा लगा। और भाई साहब जो उधर कुर्सियां लगा रहे थे, ओए होए 12000 की तादाद में तो कुर्सियां लगी हुई है। और अच्छा मैं पहले सोच रहा था क्या पता अंदर ना हो, अंदर क्या पता इतनी जगह ना हो, बाहर बंदों को इतनी दावत दी हुई है, हजारों बंदा होगा बाजार भाई, ये कोई आम सा पाकिस्तान जैसा भिखारी देश का शपथ तो नहीं है, ये तो भाई दुनिया की महान सुपर पावर का। लेकिन देखो ना, एक तरफ मोदी जी शपथ तो उठाएंगे और दूसरी तरफ से देखो क्या गिफ्ट, गुंडों की ठुकाई लगा दी है, ये होता है गिफ्ट भाई साहब। जो यार देखो सनातन धर्म को मत छेड़ो यार, क्यों तुम लोग ऐसा काम करते, जब तुम्हें पता है कि हम इस देश के अंदर रहते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तुम ऐसा काम क्यों करते यार, चीज नहीं करनी चाहिए। ऐसा काम करोगे फिर ठोके जाओगे, न मोदी छोड़ता है न योगी छोड़ता ही, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अभी यूपी के सीएम योगी जी, योगी जी है, क्योंकि आई थिंक इनका टाइम पूरा होगा 5 साल का, तो फिर उसके बाद अखिलेश यादव होगा, आई थिंक ऐसा ही होगा, ये आप कॉमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन अब यूपी के अंदर अखिलेश यादव आए या कोई भी आए, मोदी जी का हाथ जब डलेगा ना तो भाई साहब वो अखिलेश यादव की पार्टी हो या कोई भी हो, किसी को कोई छोड़ेगा, ये बात है। गुंडागर्दी भाई साहब नहीं छोड़ेगा, नहीं बर्दाश्त करते दोनों यार। मैं कहता हूँ हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता, हमारे पाकिस्तान में भी तो ऐसा होना चाहिए यार। हम तो भाई साहब दुआएं मांगते कि काश ऐसा पीएम हमें भी मिल जाए भाई, पीएम मोदी जैसा जो ऐसे गुंडों को ठोके। लेकिन इधर तो गुंडों को भाई साहब बिरयानियां खिलाते कि शाबाश, चार पांच तो बंदों को अच्छा काम किया, चार पांच बंदों को और मार भाई, हम तुझे पैसा देंगे तो ये काम ठोकाई कैसी लगाई है भाई साहब, उनको चलने के काबिल मोदी ने नहीं छोड़ा, ये होती है ताकत। जितने थे एक तो मर गया थे, औरों को पांव में सारों को लंगड़ा कर दिया, सही कहा भाई, और ऐसा ही करना चाहिए, चलने के काबिल ना ऐसा ठोको, बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब इस बारे में, इधर की वीडियो खत्म करते तो